हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। जैसे कि दोस्तों पता है कि हम सुपर टेट की रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लॉक का टाइप वन कंप्लीट किया था। चलिए दोस्तों उसी के आगे बढ़ते और देखेंगे अगला टाइप क्या है। लेकिन दोस्तों दूसरा टाइप स्टार्ट करने से पहले एक टाइप के सवाल में एक कन्फ्यूजन रह गई थी, उसको हम दूर करते हैं। जैसे कि आपको सवाल आए कि आपसे पूछा जाए कि 10:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो दोस्तों आप मुझे बताओ 10:20 पर देख रहा है ना, 10:20 पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूंगा तो 10 × 10 और 10 × 2 = 20, 1:2 आ रहा है। 1:2 टाइप का सवाल तो मैंने बताया नहीं था, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको जो भी रेशियो बताए थे उससे बाहर का सवाल आए ना, तो आपको एवरग्रीन फार्मूला लगाना है, कोण निकालना है ना। तो थीटा बराबर मैंने क्या लिखा था कि हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करना है, ये बताया था। अब चलिए भाई कर दीजिए। हाँ मुझे बताओ हावर कितना है, 10, तो 10 × 30 करोगे माइनस का मिनट कितना है, 20 × 11/2 करना है। देखो 2 से काटोगे 2 × 10 = 20 हो जाएगा, यहाँ देखो 10 × 30 करोगे 10 × 3 = 300 हो जाएगा, माइनस का 11 × 10 = 110। आप मुझे बताओ 300 में से जब 110 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 190 बचेगा, 190 बचेगा। देखना आंसर में कहीं 190 नहीं दिया गया है। अगर मान लो ऑप्शन नंबर 5 की बात करता हूं, अगर इसमें 190 लिखा होता तो आप इसको सही करते, लेकिन दोस्तों ये आंसर आपका गलत हो जाता। कैसे, जब भी आपको कोण निकालने का बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो भी कोण निकलेगा ना वो हमेशा कॉपी में नोट करना 180 डिग्री से छोटा ही निकलेगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा निकले ना तो आपको कुछ नहीं करना, 360 में से जो कोण निकल कर आया ना उसको घटा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कन्फ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं करना है, हमको कंप्लीट पढ़ना है। देखो 360 में हमारा कोण कितना निकल गया है, 190 निकल गया है, अब इसको घटा दो कितना आएगा हमारा 170 डिग्री। 360 में जब 190 जाएगा तो कितना बचेगा, 170 बचेगा, तो 170 देखो ऑप्शन में दे रखा ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब पहला टाइप बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, कहीं से भी सवाल आए ना अब आप उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप की और देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में आता है कि रिफ्लेक्स एंगल बता दीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कोण कितना होगा। अगर आपके एग्जाम में रिफ्लेक्स एंगल या कहे बाह्य कोण निकालने को बोला जाए ना, तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस उसका बहुत ही आसान है। जैसे कि आप साधारण कोण निकालते थे ना, थीटा, थीटा की वैल्यू निकालते थे किस फार्मूले से निकालते, हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 से निकालते थे, या कुछ फिक्स रेशियो होते हैं उसमें क्या प्रोसेस क्या ट्रिक बताई थी उससे आप निकाल सकते हो। आपको नॉर्मल कोण निकालना है बस, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना तो नॉर्मल कोण निकालना है। अब इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, अब आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना तो सबसे पहले साधारण कोण निकालना होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल की बोले ना तो आपको कुछ नहीं करना, 360 में से उस एंगल को घटाना है, वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखना कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो भी रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल करते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो ना वो भी दूर हो जाए। तो सवाल नंबर 1 की ओर जाते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि ध्यान से सुनना 2:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बना होगा। आपसे बाह्य कोण पूछा है, पहले नॉर्मल कोण निकालते हैं। 2:20 पर नॉर्मल कोण क्या होगा, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो देखो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:10। अगर आपने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा तो जब भी रेशियो 1:10 बनता है तो इसका कोण जो निकालने को होता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना पड़ता है, कोण निकल के आ जाता है। देखो कोण निकालने के लिए मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करो, मिनट हमारा कितना है 20, 20 × 2.5 करोगे, देखो दशमलव से जीरो खत्म, 25 × 2 = 50, ये 50 नॉर्मल कोण 50 बन के आ गया। अब आपको चाहिए क्या, बाह्य कोण चाहिए। बाह्य कोण के लिए मैंने क्या बोला, 360 में से
उस एंगल को घटाना है 360 में, जब 50 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 310 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने बोला है जब भी बाह्य कोण होगा ना तो बाह्य कोण हमेशा क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, साथ ही साथ 360 डिग्री से छोटा होगा। तो देखो 180 से बड़ा होना चाहिए, ये गलत 180 से बड़ा होना चाहिए, तो तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर एक की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर इस टाइप के ऑप्शन आएंगे ना आपके एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। खाली आपको इतना पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। देखो 180 डिग्री से कहाँ ऑप्शन दिया गया बड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा 7:20। ये देखो फाइनल रेशियो तो है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को और 20 को दोनों को काट दे। तो ये फाइनल रेशियो क्या हमारा 7:20 ही है। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बाह्य कोण निकालेंगे तो नॉर्मल थीटा निकालेंगे। साथ ही साथ हमको ये भी पता है जो भी रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, ये हमको पता है। बस इतनी सी जानकारी है हमारा आंसर आ जाएगी 180 से बड़ा होता तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। ये देखो 180 से बड़ा तो है नहीं, यही है 260, यही 180 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, आपको नॉर्मल कोण निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि 8:48 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, ये चीज़ पता है 180 से डिग्री बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू गलत हो गए। यहाँ देखो दो ऑप्शन 180 से बड़े दे रखे हैं, इसका मतलब मुझे नॉर्मल कोण निकालने की जरूरत है। क्या कह रहा है कि 8:48 पर, देखो 8 से काटोगे 8 × 8 = 48, जब भी रेशियो 1:6 बनता है तो नॉर्मल जो कोण होता है वो कैसे निकालते हैं, जब भी रेशियो 1:6 बने ना तो नॉर्मल कोण कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, मिनट का आधा कर देते हैं, वही हमारा नॉर्मल कोण हो जाता है। देखो 48 का आधा करोगे कितना आएगा 24, तो नॉर्मल कोण तो 24 हो गया। हमको चाहिए क्या, बाह्य कोण चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। बाह्य कोण के लिए मुझे 360 में से 24 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 336। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है कि 6:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 से बड़ा होना चाहिए तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ना ऑप्शन डी होगा। दो ऑप्शन देखो 180 से बड़े हैं, इसका मतलब मुझे नॉर्मल कोण निकालना पड़ेगा। 6:24, देखना ध्यान से, 6 से कट रहा है, 6 × 6 = 24, 1:4 आ रहा। जब भी रेशियो 1:4 आता है तो नॉर्मल कोण कैसे निकालते हैं, थीटा। हमको कुछ नहीं, मिनट का हमको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। मिनट कितना है 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो 360 में से अगर 48 जाएगा ना तो कितना बचेगा हमारा 312। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है कि 9:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, समझे, साथ ही साथ 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 से ज्यादा होना चाहिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। दो ऑप्शन 180 से ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब मुझे नॉर्मल कोण निकालना पड़ेगा 9:45 पर। देखो 9 से कट रहा है, 9 से काटो, 9 × 9 = 45। जब भी रेशियो 1:5 का आए ना तो हमको क्या करना पड़ता था, नॉर्मल कोण के लिए मिनट का आधा करना पड़ता था। अगर आपने रिविजन किया होगा तो आपको पता होगा। आप मुझे बताओ मिनट कितना, 45 का आधा करोगे तो थीटा हमारा कितना आएगा 22.5 डिग्री। आप रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 में से 22.5 घटाओगे ना तो कितना आएगा 337.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर छः की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है कि 4:32 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, 180 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी खेल गए। अब देखो दो ऑप्शन दे रखे इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है, अगर एक ऑप्शन और गलत हो जाता तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 4:32 पर नॉर्मल कोण निकालो, देखो 4 से काटो, 4 × 4 = 32। जब भी रेशियो 1:8 का आए तो हमको कोण निकालना है ना, तो हमको कुछ नहीं करना होता, मिनट माइनस आवर करना है, इनटू उसका डबल करना है। देखो मिनट कितना है 32 में से 4 जाएगा 28 हो जाएगा। अब 28 का डबल कितना होता है 56, तो नॉर्मल कोण कितना आया 56 डिग्री आया। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो
रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस 56 घटाओगे तो कितना आएगा 304 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 10:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 10:30 कह रहा है, सबसे पहली बात 180 से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गए। 180 से ज्यादा होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं। 10:30 कह रहा है तो इसका रेशियो देखो कितना बनेगा, 1:3। जब भी 1:3 बने तो हमको क्या करना होता है, मिनट का 4 टाइम प्लस मिनट का आधा करके जोड़ना होता था। ये आपका रिविजन हो जाएगा। मिनट का 4 टाइम करोगे, 30 × 4 करोगे 120 हो जाएगा, प्लस 30 का आधा 15, 120 प्लस 15 कितना हो जाता है हमारा 135 हो जाएगा। अब क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं करना होता है, 360 में से 135 को घटाना है, कितना आ जाएगा 225 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके रिलेटेड कोई भी कोण निकालने को बोला जाए, कोई भी एंगल निकालना बोला जाए कि घड़ी के सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो आप निकाल लोगे, और साथ ही साथ आप बाह्य कोण भी निकाल लोगे। अगर आपसे बाह्य कोण की पूछा जाए ना तो भी आप निकाल लोगे। दो टाइप क्लियर हो गए। चलिए आप बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दर्पण मतलब कि मिरर से रिलेटेड सवाल आ सकता है। दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 4:40 हैं, 4:40 बजा है, वास्तविक समय क्या है। अगर आपके वास्तविक समय पूछा जाए और दर्पण में देख रहा हो, दर्पण में देख रहा हो और आपसे निकलवाया जाए कि वास्तविक समय बता दीजिए, जो वास्तविक समय है ना वो कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। वास्तविक समय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी टाइम दिया गया ना वो 11:60 से घटाना है, 11:60 से घटाना है, वही हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। यहाँ देखो 4:40 बज रहा है, मिरर में 4:40 बज रहा है, तो आप मुझे बताओ 4:40 अगर इसमें घटाओगे तो वास्तविक समय क्या आएगा, 60 में से 40 गया 20 और इधर 11 में से 4 गया 7, मतलब कि जो भी वास्तविक समय होगा वो 7:20 होगा। उम्मीद करता हूँ जब भी दर्पण वाले सवाल आएंगे तो आप उड़ा दोगे। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 6:30 हुआ है, वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय निकालना है तो 11:60 से घटा दो। जब भी मिरर का सवाल हो, दर्पण का सवाल हो, तो 11:60 से घटाना होता है, बस ये आप कॉपी में नोट कीजिए ट्रिक। तो 6:30 लिखना है, बस घटाना है, आंसर हो जाएगा। 60 में से 30 गया 30, साथ ही साथ 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, 5:30 हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक समय। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 14:30 है, वास्तविक समय क्या है। दोस्तों कभी भी घड़ी में 14:30 होना, ये देखो किस टाइप का सवाल दिया गया, ये देखो ट्रेन में बसते है ना, ट्रेन में क्या होता है 14:00, 15:00, 16:00, एक्चुअली घड़ी में कितना बजता है आप मुझे तो 12 से देखो। अगर आपको एक्चुअली घड़ी में ज्ञात करना है ना कि कितना बज रहा है, तो 12 से देखो कितना ज्यादा है, बस उतना ही बज रहा है। 12 से कितना ज्यादा है, 14:30 मतलब 12 दो घंटे, 12 × 2 = 14 होता है, 2:30 ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि घड़ी में कितना बज रहा है, 2:30 हो रहा है। एक्चुअली समय में इसको पहले कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने बोला है 11:60 से आपको घटाना है, जो भी बज रहा हो 2:30 बज रहा है, बस घटा दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 30, और 11 में से 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 9:30 एक्चुअली समय हुआ होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:45 है, वास्तविक समय क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको जो तो वास्तविक समय निकालना है, तो मैंने क्या बोला था आपको कुछ नहीं करना होता, 11:60 से घटाना होता है, देखो 5:45 है, 5:45 को घटा दो। आप मुझे तो पिछले सवाल में मैंने 14:30 नहीं घटा सकते थे ना, इसलिए हमने एक्चुअली घड़ी में कन्वर्ट किया था, ये हमारी मजबूरी थी। अगर आप घटा सकते हो 11:60 से तो आप बिल्कुल घटाइए, अगर नहीं घटा पा रहे तो आपको उसको एक्चुअली घड़ी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 11 देखो 60 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 15, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा हमारा पास 6:15 हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दर्पण
में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 9:37 बजा है, ठीक है, मिरर बोलते हैं ना दर्पण को। वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय के लिए मैंने क्या बोला, 11:60 से बस घटाना है। कैसा भी सवाल हो, अगर दर्पण में देख रहे हो तो वास्तविक समय, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक समय अगर ये है तो दर्पण में कितना समय होगा, कुछ नहीं, फिर भी 11:60 से घटाना है आपको, दर्पण वाला समय निकल आएगा, समझे। इस टाइप का सवाल रिवर्स भी कर सकते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट सिर्फ सेम ही है, 11:60 से घटाना है। अगर बड़ा है तो बड़े वाले में से 11:60 को घटाना है, अगर छोटा है तो 11:60 में से उस छोटे वाले नंबर को घटाना होगा। तो 9:37 है ना, देखो 60 में से जब 37 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। इधर देखो 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब कि 2:23 हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ सीख गए होगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के 3 कॉन्सेप्ट आप सीख गए हो। पहला टाइप का मैंने क्या बोला, कोड निकालने को बोला था, दूसरा मैंने भाई कोड बोला है, ठीक है, भाई कोड, और तीसरे बात की करेंगे, तीसरा कोड, तीसरे टाइप का सवाल क्या आता है, दर्पण वाला। अब नेक्स्ट जो टाइप के सवाल होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज शेयर कर देना दोस्तों। हम धीरे धीरे सीखेंगे, हमारे पास अब समय है, बहुत है, ताकि हम धीरे धीरे सीखेंगे ना तो हर चीजें हमें कंप्लीट समझ में आएंगी दोस्तों। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।